आज आप सभी के साथ फिर से एक बार मैं आ चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी यूनिक रहने वाली है, अलग रहने वाली है। बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी वीडियोस में ज़्यादातर आपको टू व्हीलर्स के, फोर व्हीलर्स के रिव्यूज़ मिलते हैं, बट किसी भी गाड़ी, किसी भी बाइक को चलाने के लिए उसमें सर्विस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्विस एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बाइक के लिए, एक कार के लिए, किसी भी ऐसी व्हीकल के लिए जिसमें सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो ये एक ऐसा पार्ट है कि जो बहुत ज़्यादा काम आता है, जो कि ऐसा मतलब अगर एज अ कस्टमर की बात करूँ, मुझे अगर कोई मेरी बाइक है उसकी सर्विस करानी है तो मैं ऐसी जगह जाना पसंद करूँगा जहाँ पर मुझे ट्रस्ट हो, जहाँ पर मेरे सामने काम हो। ऐसा ना हो कि बताया कुछ और, लगाया कुछ और, किया कुछ और, बिल बना दिया कुछ और। सो यहाँ पे जहाँ अभी मैं आया हूँ यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला काम। आपकी मर्जी से, आपके हिसाब से यहाँ पे काम होगा, आपके सामने काम होगा, जो आप कराना चाहेंगे उस अकॉर्डिंग काम होगा और एक्सपर्ट्स के थ्रू होगा। सो मैं आपको आज मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे राइडर से जिनका शौक राइडिंग का है, बट साथ के साथ वो एक गैरेज भी चला रहे हैं। सो दोस्तों मैं आया हूँ रोड साइड गैरेज एंड कंपनी में, जो कि एक गैरेज है, और ये गैरेज ऐसा गैरेज है जो कि है एक राइडर का। सो जो बंदा राइडर है उसको पता है कि अपनी बाइक में क्या उसको काम कराना है, क्या वो कराना चाहता है। सो ये एक जो गैरेज है ये एक राइडर का गैरेज है। सो यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन वाला काम मिलेगा, बिल्कुल ट्रू काम मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको जेन्युइन ना मिले, यहाँ पे सारा काम जेन्युइन मिलेगा आपको। और बेसिकली आपको मैं बता दूं, ये जो सर्विसिंग ये कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड बुलेट्स की करते हैं। तो एक्सपर्ट्स हैं बुलेट में, बिकॉज जो राइडिंग ये करते हैं ये बुलेट्स के साथ ही राइड करते हैं, बुलेट राइडिंग करते हैं बेसिकली ये। सो जिनके पास भी बुलेट है, रॉयल एनफील्ड है, और वो दिल्ली के अंदर रहते हैं या दिल्ली के नियर बाय रहते हैं और वो चाहते हैं उनके सेटिस्फेक्शन पर काम हो, सो आप यहाँ पर आइए और सर्विस कराइए अपनी बुलेट की। सो आइए बात करते हैं मिस्टर धर्मेश से और जानते हैं क्या खास है। सो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो दोस्तों धर्मेश मेरे साथ बैठे हुए हैं और जानते हैं इनसे क्या इनका पैशन था और कहाँ से ये गैरेज का इनके दिमाग में आया और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। सो आइए बात करते हैं मिस्टर धर्मेश से। ओवर टू यू मिस्टर धर्मेश। रही बात पैशन की, एक्चुअली मैंने 2016 से रॉयल एनफील्ड ज्वाइन किया था, देन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स मैंने कंपनी में था। तो मेरा वर्क प्रोफाइल एज अ कम्युनिटी राइडर का था, तो धीरे धीरे राइडिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करे, अपना ग्रुप्स भी फॉर्म करे। अब राइडिंग ही एक मेरा पैशन है, साथ के साथ मैंने मैकेनिकली भी अपना एक वर्कशॉप स्टार्ट करी है रोड साइड गैरेज एंड कंपनी के नाम से। तो हम यहाँ पे बाइक मैकेनिकली भी ठीक करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम भी होता है, इंश्योरेंस रिन्यूअल भी होता है हमारे पास, प्लस मॉडिफिकेशन भी करते हैं एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। तो अभी तो यही है हमारा रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें। बाकी जो आप काम करते हो वो सिर्फ रॉयल एनफील्ड का ही करते हो या और भी कुछ करते हो? सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही है। 2003 से मैं खुद रॉयल एनफील्ड राइड कर रहा हूँ। हमारी फैमिली में मतलब बेसिकली सबके पास रॉयल एनफील्ड ही हैं। ओके, तो बस रॉयल एनफील्ड लवर है बेसिकली। सो फ्रेंड्स जितने भी रॉयल एनफील्ड लवर्स हैं सो उनके लिए तो यही गैरेज बना हुआ है। आप आओ, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराओ, अपनी बाइक बुलेट की सर्विस कराओ, अपने सामने कराओ, जेन्युइन चीज कराओ। बेसिकली कहने का मेन मोटो यही है कि जेन्युइन चीज कराओ और कम दाम में अच्छे जेन्युइन पार्ट्स के साथ। बेसिकली मेरा पॉइंट यही है, जैसे कई शोरूम्स में, कई मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बट पॉइंट ये है कि बहुत जगह लूट है, लोग कस्टमर ना बनाते नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन किसी को मिलता नहीं है। हमारे पास आप आइए, काम करवा के देखिए, मैं बोलने पे नहीं जाऊँगा, आप एक बार वर्कशॉप विजिट करिए, आपके सामने काम होगा, एक चांस तो हर किसी को मिलता ही है। सही बात है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास एक आप ही हो। तो पॉइंट यही है, आप आइए सेटिस्फेक्शन से काम करवाइए, आपके सामने होगा। प्लस पॉइंट हमारे पास ये मिलेगा आपको कि जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मिलेंगे आपको रॉयल एनफील्ड से, प्लस जो हम लेबर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप एक विजिट करिए,
और बेसिकली आपके पास क्या ऐसा स्पेशल है जो एक रोड साइड गैरेज वाले के पास नहीं होता? आपने नाम दे दिया अपने शोरूम का, अपने सर्विस सेंटर का, कि रोड साइड गैरेज। सो आपने पहले तो ये थॉट कैसे आया कि रोड साइड गैरेज ही रखना है? दूसरी चीज ये जानना चाहूंगा कि मैं आप अलग क्या देते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट तो बता दिया कि आपका जो सर्विसिंग है वो आपके सामने होता है, जेन्युइन चीज होती है, उसके अलावा कुछ अलग क्या है? क्योंकि जेन्युइन अगर कोई डायरेक्ट बाय डायरेक्ट जाएगा किसी सर्विस सेंटर में, ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो वहां पे भी उसको जेन्युइन चीजें ही मिलेंगी, है ना? आपके पास जेन्युइन भी मिल रही है, लेकिन ऐसा क्या खास है, अलग कुछ और दे रहे हैं आप साथ में? हाँ, हमारे साथ में हम आपको लेबर चार्जेस में जो अमाउंट है आप वो कंपेयर करिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपको। ऑलमोस्ट 70% का आपको डिफरेंस मिलेगा आपको, जो कंपनी में है और हम जो यहाँ पे हम लेबर चार्जेस में दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस चीज़ का। बाकी जो कंपनी का नाम है और जो कंपनी से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये पॉइंट ये था, आजकल जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, हम खैर ओल्ड मॉडल्स को भी रिस्टोर करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी आपको हम कुछ बाइक्स भी दिखाएंगे जो हमने रिस्टोर कर रहे हैं, या जो अभी प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर आ गया हर गाड़ी में, आपने सुना होगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अब 100 cc से ऊपर की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर है, तो हर कोई बंदा उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो हमारी कंपनी का नाम भी हमने इसी वजह से रखा, रोड साइड गैरेज एंड कंपनी। आप आइए, यहाँ पे कंपनी से बेटर काम होता है, मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा खैर मैं, आप करवा के देखिए, आप यहाँ का एक एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लगने के कोई आपके हम ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे, नॉर्मली हमारे बहुत चार्जेस हैं, आप आइए चेक करिए। अक्सर कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड, अब कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको रॉयल एनफील्ड बाय करनी है, सो वो जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की जो सर्विसिंग कॉस्ट आती है, एक सर्विसिंग एवरेज कॉस्ट क्या आती है अगर बात की जाए कंपनी में और यहाँ में? उतना फर्क तो अभी नहीं कर पाएंगे डिस्क्राइब, बिकॉज वो डिपेंड करता है क्या काम हो रहा है गाड़ी में, लेकिन एक सर्विस की बात की जाए, नॉर्मल सर्विस की बात वेरी करा जाता है कि आपकी गाड़ी में वैसे काम कितना है, बट स्टिल अगर एक नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए आप आ रहे हैं, बेसिक सिर्फ एक सर्विस ही हो रही है, ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, उसका बेसिक एक अमाउंट होता है हमारे पास, हम 1350 से 1500 के बीच में करते हैं, 350 cc की बुलेट्स और 500 cc की बुलेट्स। और यही अगर आप कंपनी में चले जाते हैं, ऑफर्स उनके पास भी निकलते हैं, ऑफर्स हमारे पास भी निकलते हैं, हम डिटेलिंग का भी काम करते हैं, हम बफिंग वगैरह के भी पैकेजेस निकालते हैं, टेफ्लॉन के भी पैकेजेस साथ में जोड़ के देते हैं। तो जो कंपनी में भी अलग अलग टाइप के पैकेजेस निकलते हैं, बट हमारे हम उसमें कंपेरिजन में नाना करते हुए भी 2500-2000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है आराम से, नॉर्मल एक सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली पैसा बचाओ और अपने सामने काम कराओ और अच्छा काम कराओ, आपका मेन मोटो तो यही है। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, आपने राइडिंग स्टार्ट करी, क्या आप अभी राइडिंग कर रहे हैं? आपके ग्रुप्स वगैरह, अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहे, अगर दिल्ली में कोई रहता है जैसे, बेसिकली अगर आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो वो क्या करे मतलब बेसिकली? मैं डिटेल शेयर कर देता हूँ आपको, बाकी हमारे ग्रुप का नाम है आयरन स्ट्रीट्स, वो मेरे एक पार्टनर है, हम दोनों ने मिलके ही स्टार्ट करा है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वीकली राइड्स भी होती हैं, ब्रेकफास्ट राइड्स भी होती हैं, बाहर के भी ट्रिप्स करते रहते हैं, अभी रिसेंटली चक्राता भी होके आए हुए हैं। तो है हमारा ग्रुप है आर्यन स्ट्रीट, ऑलमोस्ट 1000-1500 के अराउंड उसमें मेंबर्स हैं हमारे। जो एक्टिव हैं वो कम से कम 500-700 लोग तो एक्टिव ही हैं उसमें। तो अच्छा ग्रुप देखने के लिए मिलेगा बेसिकली, जब कोई राइड पे जाएगा तो एंजॉय करके जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा उसको राइड, वो एक अलग आपको एक बेसिकली यहाँ पे हमारा धीरे धीरे हम यहाँ पे भी अब एक नोटिस बोर्ड वगैरह भी लगाने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें हम राइड्स की हमारी फोटोज हो गई, अपकमिंग राइड्स हो गई, अपकमिंग ऑफर्स हो गए, ये सब चीज़ें भी हम शेयर करना शुरू करेंगे। तो भी आपको कुछ टाइम का बाद से आपको दिखना लग जाएगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच धर्मेश जी, आपने हमें टाइम दिया और बेसिकली अपना ये जितना भी गैरेज के बारे में भी उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है। आप, मैं तो ये बोलूँगा कि एक बार आप विजिट करें यहाँ पे सर्विस सेंटर पे और देखें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन आप बिलीव करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे एक अच्छा काम होता है। एक मौका तो सबको ही मिलता है जैसे कि आपने बताया, सो क्यों ना एक बार यहाँ पे आके देखा जाए कि क्या ऐसा बेस्ट है, क्या ये काम करते हैं। अपने सामने बेसिकली अपने सामने काम कराओ, अच्छा काम कराओ और कम पैसे में कराओ। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलाता हूँ, ऐसे दो कस्टमर्स हैं अभी जो बेसिकली यहाँ पे आए हुए हैं सर्विस कराने के लिए, उनसे मिलाता हूँ और उनका फीडबैक लेते हैं, कैसा उनका फीडबैक है, क्या वो सर्विसिंग यहाँ पे क्यों कराने आते हैं, आइए जानते हैं उनसे और बात करते हैं उनसे। सो गाइज, आज हमारे साथ है मिस्टर अनुज, जो कि अभी यहाँ पे आए हुए हैं सर्विस कराने के लिए। सो जानते हैं इनसे फीडबैक, क्या इनका फीडबैक है इस सर्विस सेंटर के बारे में, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशली।
सो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं यहाँ के कुछ स्पेशल क्या इनको अच्छा लगा जो इतनी दूर से ही आते हैं। सो आई हैव बीन कमिंग हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम, बहुत कुछ टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पर, एंड द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट इज अटेंशन टू डिटेल। मतलब हर चीज़ को छोटी से छोटे नुक्स जो कोई लोग इग्नोर कर देते हैं वो यहाँ पर इग्नोर नहीं किए जाते हैं। तो एंड मोर ओवर काम मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाता है, जो जो काम छुटपुट में बताता जा रहा हूँ वो बकायदा अच्छे से अटेंड किया जा रहा है यहाँ पर। एंड मोर ओवर इसी रीज़न से मैं स्पेशली फरीदाबाद से यहाँ पर आया हूँ 2 घंटे चला के, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो मतलब क्या सर्विसिंग कॉस्ट आपको क्या लगती है कि सर्विसिंग कॉस्ट बेसिकली बाहर अगर आप कराते हो और एक कंपनी में कराते हो तो क्या सर्विसिंग कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है आपको? सर्विसिंग कॉस्ट का तो देखिए कोई ऐसे मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन आपका काम होता है जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। देखिए अगर बाहर में किसी रोड साइड मैकेनिक से करा दूंगा तो देर आर चांसेस कि वो कुछ प्रॉब्लम डायग्नोज कर पाए, कुछ प्रॉब्लम वो डायग्नोज ना कर पाए। और कुछ लोग कुछ बाहर मैकेनिक ऐसे भी होते हैं कि आप एक चीज़ ठीक कराने जाएँ वो दूसरी चीज़ आपकी ढीली छोड़ देगा, ख़राब छोड़ देगा, ताकि आप उसके बाद दोबारा लौट के आओ। सही बात है। तो यहाँ मुझे ऐसा वो कोई सीन नहीं लगता है, जो काम होता है एक बारी में होता है। एंड एज अ राइडर भी आई थिंक राइडर भी हैं आप, जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर पहले मेरे को। हाँ जी हाँ जी, आई एम पार्ट ऑफ अ राइडिंग ग्रुप बाय द नेम आयरन स्ट्रीट्स। ओके, सो बीइंग अ राइडर इट इज एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट माई बाइक शुड बी ऑलवेज इन अ रनिंग कंडीशन, बिकॉज जब भी अगर कभी मैं राइड में हूँ और बीच में अगर मेरी बाइक खराब हो जाती है फॉर एनी गिवन रीजन, फॉर एनी मेंटेनेंस इशू, तो फिर आई लैंड इन अ लॉट ऑफ ट्रबल विच इज़ अ लॉट ऑफ पेन। कभी हेल्प मिलती है, कभी हेल्प नहीं मिलती है। तो ऑलवेज एज अ राइडर आई इंश्योर कि आपकी जो मशीन है, आपकी राइडिंग मशीन है, वो आपकी टॉप नॉच कंडीशन में होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपने रिव्यू दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या रेटिंग देना चाहेंगे, 10 में से कितनी रेटिंग देंगे यहाँ पे आप? वेल 10 में से आई वुड ईजिली रेट देम अ 9, इवन अ 9.5, बिकॉज 0.5 का तो इट इज ओके, बट हाँ 9.5 आई कैन गिव यू ईजिली, वेरी इजिली। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया और बेस्ट फीडबैक दिया बेसिकली, बिकॉज हम ट्रू फीडबैक का ही एक रिव्यू करना चाहते हैं, बिकॉज फेक रिव्यू नहीं चाहिए हमें, ट्रू रिव्यू चाहिए सर। सो फेक रिव्यू की बात ही नहीं है, वॉट एवर आई जस्ट सेड दैट केम आउट ऑफ माई हार्ट, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था, या मुझे किसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो एवरीथिंग वॉज वॉट आई फेल्ट वॉट आई जस्ट सेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, माई प्लेजर। तो ये है भैया की बुलेट जिसकी इन्होंने अभी सर्विस कराई है, तो चमचमाती कंडीशन में इनके पास अब आ चुकी है बुलेट। दोस्तों एक और कस्टमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर जगदीश कुमार, आइए जानते हैं इनसे और फीडबैक लेते हैं इनका, क्या इनका रिव्यू रहेगा यहाँ के सर्विस सेंटर के बारे में, आइए बात करते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, इतनी दूर तक बकरवाड़े दाड़ा वहाँ काम करवाना था ही भाई, ना तो रास्ते में नदबगढ़ की दुकानें भी पड़ती है हमारे पास, वहाँ भी सस्ता काम होता है, यहाँ पे एक्यूरेट बढ़िया काम करते हैं, और छोटे छोटे इशू होते हैं ना सारा बढ़िया करते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद उनको बता देते हैं एक बार, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। 10 में से कितने रिव्यू? मतलब 10 में से भाई 20 से दे देंगे हम, तो वैसे 10 में से 10 ही जाते हैं, हम 20 दे देंगे भाई को। थैंक यू सो मच, ये आपकी बुलेट है बेसिकली जी, हाँ जी, सर्विस कराने में। हाँ जी हाँ जी, तो दोस्तों लाइव अभी ये रिव्यू दे रहे हैं बेसिकली, अभी ये इनकी सर्विस हो रही है गाड़ी की, बाइक की सर्विस हो रही है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें फीडबैक दिया, अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। सो भाई जगदीश जी ने तो प्रॉपर देसी भाषा में अपना रिव्यू दे दिया है। एक और बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी में से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, वॉट एवर द फीडबैक, प्लस हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर वो शेयर करना चाहता है तो अपनी मेरी जो मेल आई डी है उस पर मुझे मेल कर सकता है, आई विल कॉन्टैक्ट विथ हिम एंड मैं उनसे उनका डायरेक्ट रिव्यू, बेसिकली मेरा जो मोटो है इस चैनल का डायरेक्ट बाई कस्टमर और ट्रू रिव्यूज़ मैं देना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को, जो मेरी फ्यूटू फैमिली है उन सभी को डायरेक्ट एक ऐसा रिव्यू देना चाहता हूँ जो कि एक डायरेक्ट बाई कस्टमर हो। सो आप सभी में से कोई भी अगर ऐसा है व्यक्ति जो अपनी गाड़ी का रिव्यू शेयर करना चाहता हो, चाहे वो बाइक हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, सो मुझे मेल कर सकता है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, देन आई विल कॉन्टैक्ट विथ हिम एंड सारी डिटेल शेयर करेंगे और वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो पे, बाय।